हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन जय हिंद क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड 8 का मैथ्स। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जितने लोग चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि डेली वीडियो के अपडेट्स आपको मिल सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड 8 प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के जो हमारे 5 क्वेश्चंस रिमेनिंग थे उसको। लेकिन ये सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, जो रैशनल नंबर्स को कंपेयर करने की जो प्रॉपर्टी है उसको समझेंगे। क्या है, द फॉलोइंग रूल्स आर यूजफुल टू कंपेयर टू रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर क्या होता है, ऑलरेडी हमने देखा था। रैशनल नंबर क्या होता है, तो जो नंबर्स पी अपॉन क्यू फॉर्म में रहेगा बट क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। रैशनल नंबर क्या आता है, जो पी अपॉन क्यू फॉर्म में रहेगा लेकिन क्यू जो है ये डिनोमिनेटर जो है जीरो के बराबर नहीं रहेगा। आ रहा समझ में, इफ ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी आर रैशनल नंबर सच दैट बी एंड डी, बी एंड डी मतलब डिनोमिनेटर का नंबर, बी और डी क्या रहना चाहिए, अगर पॉजिटिव नंबर्स में दिया रहेगा, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर को कंपेयर कर सकते हैं कि वो किस तरह का नंबर है जो रैशनल नंबर्स दिया, मतलब ग्रेटर लेस देन इक्वल। जैसे इफ ए इंटू डी क्या है, लेस देन है बी इंटू सी, देन ए अपॉन बी लेस देन सी अपॉन डी। अब यहां पे मैंने प्रॉपर्टी क्यों लिखी है, ताकि जब हम लोग ये रैशनल नंबर को कंपेयर करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। उसी तरीके सेकेंड दिया, इफ ए इंटू डी इक्वल बी इंटू सी, देन ए अपॉन बी इक्वल सी अपॉन डी। मतलब समझ रहे, जो भी फ्रैक्शन नंबर्स हम लोग को दिया रहेगा या जो बोलते हैं हम लोग अपना रैशनल नंबर, उसमें ए का मल्टीप्लाई डी में करेंगे, अगर उसकी वैल्यू बी का मल्टीप्लाई सी से इक्वल रहेगी तो मतलब वो क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर इक्वल हो जाएगा। इफ ए इंटू डी ग्रेटर देन बी इंटू सी, देन ए अपॉन बी ग्रेटर देन सी अपॉन डी। आया समझ में, तो ये क्या है प्रॉपर्टी, इसको सिर्फ समझना। अब हम लोग उसको सॉल्व करेंगे उसको यूज करके। सिक्स क्वेश्चन क्या दिया है, तो 17/20 मतलब -17/20, और ये क्या है -13/20। अगर यहां पर अगर आप देखो तो डिनोमिनेटर में क्या है 20 दिया हुआ है, इसको हम लोग डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं। कैसे, अगर डायरेक्ट नहीं कंपेयर कर सकते तो क्या करेंगे हम लोग, देखो अगर प्रॉपर्टी से कंपेयर करना है तो सबसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या ध्यान में रखना है कि जो डिनोमिनेटर का नंबर रहेगा वो क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव, मतलब बी और डी। तो ये हमारा ए हो गया, ये बी, ये सी और ये डी। आ रहा समझ में, अब हम लोग क्या करेंगे, किसका किसका मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू डी का। तो ए का मल्टीप्लाई डी के साथ है कि नहीं, देखो मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 17/20 है कि नहीं, अभी देखो दोनों नंबर्स क्या है माइनस में ही है कि नहीं, क्या है दोनों नंबर्स माइनस में ही है। तो जो माइनस में है, तो अगर जैसा कि मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में भी, अगर कोई भी कंपैरिजन नंबर्स अगर हम लोग को मिल रहा है रैशनल नंबर में, अगर वो दोनों नंबर्स माइनस में है तो जो नंबर्स स्मॉल रहेगा वही क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा नंबर्स कौन सा ग्रेटर हो जाएगा, तो -320 ≤ -260। अब हम लोग इसको यहाँ पे डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ये तो हो गया हमारा प्रॉपर्टी के थ्रू, अब हम लोग इसको यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो कैसे, तो 17/20 ≤ -13/20। ऐसे मतलब इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरह हम नेक्स्ट देखेंगे 7 क्या दिया है, 15/20 और 6/60। सेम इसको भी हम लोग वैसे ही कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके या फिर डायरेक्ट डिनोमिनेटर को सेम करके। तो हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम कर लेंगे, सॉरी 20 नहीं है यहाँ पे, क्या है 12 है, क्या है 12। अभी देखो इसमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो नीचे दोनों को डिनोमिनेटर सेम दे दे, यहां पर देख लो 15/12, 4 से और यहां पे 6/16 है,
थ्री से। तो 15 फोर जा 60 हो जाएगा और ये 48 18 अपॉन 48। अगर यहां पे देखो तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम मिल गया, मतलब हम लोग क्या करेंगे न्यूमरेटर से कंपेरिजन करेंगे तो 60 और 18 में कौन सा नंबर ग्रेटर है, 60 है क्योंकि दोनों पॉजिटिव नंबर्स है। जब हम लोग को कोई भी पॉजिटिव नंबर्स मिलेगा तो उसमें जो ग्रेटर रहेगा वही नंबर्स ग्रेटर हो जाएगा। मतलब तो 15 अपॉन 12 क्या आ जाएगा ग्रेटर देन 6 अपॉन 16। अरे समझ लो, अब हम लोग को अगर इस तरह से जो प्रॉपर्टी का यूज करके अगर हमें कंपैरिजन करना है तो सेम क्या करेंगे हम लोग, ये हमारा क्या आ जाएगा ए, ये बी, ये सी और ये डी हो जाएगा, है कि नहीं। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे ए इंटू डी। अभी देखो अगर देखोगे तो सब में सेम मल्टीप्लाई करना, ए इंटू डी, ए इंटू डी, ए इंटू डी, बी इंटू सी, बी इंटू सी, बी इंटू सी, और जो उसकी वैल्यू आएगी उसके बेस पे हम लोग क्या करेंगे लेस देन इक्वल और ग्रेटर का साइन लगा के फिर हम लोग ये प्रॉपर्टी को अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली डिनोमिनेटर को ही सेम करके अप्लाई कर लेंगे, जैसा कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था जो सिक्स क्वेश्चन था उसका, ठीक है। उसी तरह हम लोग देखेंगे एट एट क्या दिया है माइनस 25 अपॉन 8 माइनस 9 अपॉन 4। अब यहां पे भी देखो डिनोमिनेटर में क्या 8 है यहां पे 4 है। अब ये प्रॉपर्टी क्यों दिया है, अगर आपको क्वेश्चन ये सिर्फ समझाने के लिए दिया है कि हम लोग इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, आया समझ में, या फिर हम लोग डिनोमिनेटर को भी सेम करके सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम लोग को क्वेश्चन में पूछा कंपेयर द रैशनल नंबर बाय द फॉलोइंग वे या फिर प्रॉपर्टी से, तो फिर इस तरह से हम लोग आपको यूज करके करना रहेगा सॉल्व। अभी देखो डिनोमिनेटर में 8 है यहाँ पे 4 है, तो हम लोग क्या कर लेंगे माइनस 9 अपॉन 4, इसको हम लोग क्या कर लेंगे सेम कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम हो जाएगा 8 हो गया। मतलब अभी देखो माइनस 25 अपॉन 8 कॉमा माइनस 18 अपॉन 8 हो गया, है कि नहीं। अभी दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, मतलब अब हम लोग कंपेरिजन कर सकते हैं कि कौन सा रैशनल नंबर ग्रेटर है लेस देन है इक्वल है। लिख लो माइनस 25 अपॉन 8, अभी कौन सा है तो यहाँ पे देखो दोनों नंबर्स क्या है माइनस में है, तो जैसा कि मैंने बताया जब हम लोग कोई भी माइनस नंबर्स का कंपेरिजन करेंगे तो जो स्मॉल रहेगा वो नंबर्स क्या हो जाएगा ग्रेटर हो जाएगा। माइनस 25 अपॉन 8 क्या आ जाएगा लेस देन माइनस 18 अपॉन 8, यहाँ पे हम लोग 18 अपॉन 8 लिखेंगे क्या, नहीं, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं ये रैशनल नंबर्स को कंपेयर कर रहे थे, हम लोग वो रैशनल नंबर लिखेंगे माइनस 9 अपॉन 4 इस तरह से। सेम उसी तरह 9 देखेंगे क्या दिया है 12 अपॉन 15 कॉमा 3 अपॉन 5, है कि नहीं। अब यहां पे देखो दोनों रैशनल नंबर क्या है पॉजिटिव में दिया हुआ है, चलो इसको एक काम करते हैं हम लोग प्रॉपर्टी से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा ए, ये बी, ये सी और ये डी, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे ए इंटू डी। अभी बीच में का साइन हमारा डिसाइड नहीं है कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर रहेगी और कौन सी वैल्यू नहीं, है कि नहीं। फिर उसके बाद क्या दिया सी, बी इंटू सी है तो 15 बी इंटू सी। अभी देखो ए की जगह पे क्या है 12 है, डी की जगह पे क्या है 5 है, बी की जगह पे क्या है 15 है और सी की जगह पे क्या है 3 है। आर समझ में, अब मल्टीप्लाई कर दो 12 5 जा 60, 15 3 जा 45। अभी देखो यहाँ पे आपको पता चल गया कौन सा नंबर ग्रेटर है 60 नंबर ग्रेटर है, मतलब हमारा क्या आ जाएगा ये प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी, कौन सी तो ए इंटू डी ग्रेटर देन बी इंटू सी देन। अब उसको अप्लाई कर दो मतलब क्या आ जाएगा हमारा 12 अपॉन 15 ग्रेटर देन 3 अपॉन 5।
आई बात समझ में, किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, है कि नहीं एकदम सिंपल। तो अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा कि डिनोमिनेटर कैसे सेम करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टी को यूज करके सॉल्व कर लेंगे, या फिर इसको आप डायरेक्टली इसका डिनोमिनेटर भी सेम करके सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे, आप ये देखो 15 है, इसमें क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 15 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा हमारा, ये भी 15 हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, है कि नहीं। उसी तरह हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, -7/11 -3/4, है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, 11 है और यहाँ पे 4 है, या तो डिनोमिनेटर सेम कर दो या तो प्रॉपर्टी के थ्रू सॉल्व कर दो, तो हम लोग डिनोमिनेटर को सेम कर लेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 11 है, यहाँ पे 4 है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये -3/4 है, इसमें 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 28, 44, अब देखो यहाँ पे हम लोग को डिनोमिनेटर से मिल गया 44, 44, और दोनों नंबर्स कौन से मिल गए हमें, निगेटिव नंबर्स मिल गए, है कि नहीं, क्योंकि रेशनल नंबर क्या दिया, निगेटिव में दिया हुआ है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, अब कंपेयर कर लेंगे, अभी जिससे हम लोग को दो निगेटिव नंबर्स मिलेंगे, तो जो नंबर स्मॉल रहेगा वही क्या हो जाएगा, बिग हो जाएगा, मतलब -7/11 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन -3/4, तो ये क्या आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे तो क्या करना रहेगा आपको, ये ए है और ये बी और ये सी और ये डी, तो यहाँ पे क्या कर लोगे आप, ए इंटू डी और यहाँ पे बी इंटू सी का मल्टीप्लाई कर लेंगे, और फिर उसके थ्रू हम लोग कंपेयर कर लेंगे। तो इसमें आप जो प्रॉपर्टी के थ्रू कैलकुलेट करके मुझे आप बताओगे, और इसका जो प्रॉपर्टी कौन सी अप्लाई होगी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, उसको भी आप कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ पे हम लोग का 8th का प्रैक्टिस सेट 1.2 कंप्लीट हुआ। इस वीडियो लेक्चर में अगर आपको कहीं पर किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट हो, कमेंट करके जरूर बताना। उसके साथ जितने लोग वीडियो पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि डेली वीडियो की अपडेट्स आपको मिल सके। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।